खाली विटामिन सी खाने से इम्यूनिटी नहीं बढ़ती। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर संगीता मेनन, डाइटिशियन हूँ और फिटनेस एंड फिटनेस इंडस्ट्री में पिछले 20 साल से जुड़ी हुई हूँ। रोग प्रतिरोधक शक्ति, जिसको हम इम्यूनिटी भी कहते हैं, ये आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसको बढ़ाना। अभी काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। विटामिन सी, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, नो डाउट अबाउट इट। जैसे हम आंवला, जितने भी विटामिन सी रिच फूड हैं, आंवला है, लेमन है, सारे सिट्रस फ्रूट हैं, ऑरेंज, रेड, रेड ऑरेंज, येलो, जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, सब में आपको विटामिन सी मिल जाएगा। इसके अलावा चिल्ली, गुआवा, कीवी, ये सब चीज़ों में भी मिल जाएगा। अदर फूड प्रोडक्ट्स में देखा जाए तो आपका दही, ग्रीन टी, ब्लैक टी, ये सब चीज़ों में आपका इम्यूनिटी बढ़ाने का कंटेंट मिल जाएंगे। सो आप विटामिन सी तो लीजिएगा, और ये सारे जो विटामिन सी रिच फूड हैं और इम्यूनिटी इंक्रीज करने का जितने भी कंटेंट वाले जो फूड हैं, वो आप ले ही सकते हैं। इसके अलावा 6 और फैक्टर्स हैं जो इम्यूनिटी को के ऊपर असर करता है। सो वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन सी तो हम पिल्स या फिर ऐसे फूड के थ्रू खा सकते हैं, लेकिन बाकी के जो 6 फैक्टर्स हैं, अगर आपने मेंटेन नहीं किया, तो आपका ये सारे ये जो विटामिन सी रिच फूड खाना आपके लिए काफ़ी लाभदायक नहीं रहेगा। सबसे पहला जो इम्यूनिटी पावर को कम करती है, वो है एसिडिटी। बॉडी का एसिड लेवल जो है ना, वो कम ही रखना चाहिए हमको। अभी फ्राइड फूड है, नमकीन है, शुगर, मतलब स्वीट्स हैं, बहुत सारे स्वीट्स हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे चीज़ें जो है हमारे बॉडी के एसिड लेवल को बढ़ाती है। अगर हमको बॉडी के एसिड लेवल को कम करना है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स को थोड़े हमको लिमिट में करने पड़ेंगे, सबसे खास करके उसमें शुगर। अभी शुगर क्या करती है, ऑक्सीडेटिव डैमेज करती है हमारे बॉडी में। हर एक सेल को डिटॉक्सिफाई करने का ऑलरेडी क्षमता है उनके अंदर, हमारे बॉडी में वो सेल्स को डिटॉक्सिफाई अपने आप से करने का क्षमता है। प्रॉब्लम यही है कि शुगर उस सेल्स को डिटॉक्सिफाई करने नहीं देती। सो इसके लिए हमको शुगर का लेवल, शुगर जो जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा है, या स्वीट्स हैं, ये सारे चीज़ों को बहुत ही लिमिट या बहुत ही, या तो रिड्यूस कीजिए या तो अवॉइड कीजिए। ये इम्यूनिटी पावर को जब बढ़ाने का ये जो टाइम है, उसमें सबसे कम से कम शुगर लीजिए। फिर आता है आपका स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। जो हेवी स्मोकर्स एंड ड्रिंकर्स का हमेशा इम्यूनिटी पावर डाउन ही होता है, सो वो भी एक ध्यान रखिएगा। फिर एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है हमारा नींद। स्लीप इतना इम्पॉर्टेंट है, अगर आपका 7 से 8 घंटे का अच्छा नींद नहीं हो, तो आपका इम्यूनिटी पावर डाउन होने का फुल चांसेस है। जैसे कम नींद जो है, वो इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन को इन्वाइट करती है। सो इसीलिए नींद का हमारा पूरा लेना बहुत ज़रूरी है, से नींद बहुत ज़रूरी है। फिर आता है हमारा एक्सरसाइज। हमारा बॉडी अगर एक्टिव नहीं है, तो वैसे भी नींद नहीं आएगी अगर बॉडी एक्टिव नहीं है तो, और बॉडी का एक्टिव होना, हर एक सेल्स का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का। सो ये ज़रूरी है कि आप रेगुलरली एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, तो मन बना लीजिए बीमार होने का। सो ये सार्कास्टिकली बोला है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आप ज़रूर एक्सरसाइज करें करें। फिर आता है ओबेसिटी, एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है ओबेसिटी भी। ओबेसिटी, बॉडी में जितना फैट परसेंटेज हेवी ज़्यादा रहता है, उतना हमारा इम्यूनिटी पावर कम होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का इश्यू रहता है, हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन का इश्यू रहता है। सो बॉडी का फैट परसेंटेज बहुत हाई होना भी इम्यूनिटी पावर को कम करती है। सो इसीलिए एक्सरसाइज अच्छे से कीजिए, रेगुलरली कीजिए, और ये लॉकडाउन के पीरियड में आप बहुत अच्छा सा ये यूटिलाइज कर सकते हैं। घर में अच्छा खासा एक्सरसाइज कीजिए और वेट लॉस कीजिए। और बीइंग अ डाइटिशियन, मुझे आपको ये भी बोलना है कि क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ज़्यादा खाना है, और ओबेसिटी की भी बात कर रही हूँ, तो आप दिन में 2 ही मील लीजिए, तीसरे मील को आप फ्रूट्स या वेजिटेबल सूप पे रखिए, ताकि उतना विटामिन सी का कंजम्पशन आपका ज़्यादा रहे। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कॉन्स्टिपेशन।
अभी हमको ऐसा लगेगा कि कॉन्स्टिपेशन और इम्यूनिटी का क्या लेना देना, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन है इसके ऊपर। 60% ऑफ योर इम्यूनिटी इज़ कनेक्टेड टू गट एंड कोलोन। इतनी बड़ी बात है ये कि हमारा अगर कॉन्स्टिपेशन जिसका भी हो उनका इम्यूनिटी पावर काफ़ी कम रहेगा। सो इसीलिए पेट का साफ होना भी बहुत ज़रूरी है। आप फ्लैक्स सीड्स, जितने भी सारे सीड्स हैं वो सब ले सकते हैं। मुनक्का रात को भिगोया हुआ वो ले सकते हैं। आंवला वगैरह ले सकते हैं। गुआवा बहुत अच्छे से मिलता है, वो सब ले सकते हैं ये सीज़न पे। और अपना कॉन्स्टिपेशन को आप अवॉइड कर सकते हैं, मतलब कॉन्स्टिपेशन का इश्यू आने में अवॉइड कर सकते हैं। ये सातों फैक्टर को जब आप ध्यान रखते हैं तभी हमारा इम्यूनिटी लेवल अच्छे से हाई रहता है। ये ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड हमें अपना इम्यूनिटी को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए मेरे कहे हुए सारे 7 फैक्टर्स को आप ध्यान से समझिए और ध्यान से फॉलो कीजिएगा। नमस्ते, थैंक यू।